अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सेव उसड़, जिसके लिए मैंने मटर रात को ही भिगा दिया था। अब हम इसको सीटी लगा लेंगे। हमारे मटर बॉईल हो गए हैं, इसको चेक कर लेंगे हम। अच्छे से गल गए ये। तो हमने इसके लिए दो प्याज, दो टमाटर, चार हरी मिर्च और सूखा खोपरा ले लिया है। अब मैं इसको बताऊंगी कैसे करना है। प्याज को हम कट कर लेंगे, टमाटर को भी कट कर लेंगे। प्याज टमाटर को हम मोटा मोटा ही कट कर लेंगे, क्योंकि पीसने में ही जाने वाला है। खोपरा भून लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। ये हमारा खोपरा भून के हो चुका है, हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में ले लेंगे। हम तेल डाल देंगे और प्याज ब्राउन कर लेंगे। तेल इसमें ज्यादा गलता है। हमारी प्याज ब्राउन, हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। अगला क्लस्टर मैंने पीसा हुआ लिया है, ये हम पीसने में डालेंगे। ये हमारा अच्छे से भून के हो चुका है। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। इसको ठंडा करने हम प्लेट में निकाल देंगे। जब तक हम प्याज काट लेंगे और दो नींबू, हरा धनिया। यह हमारा मसाला ठंडा होता कि हमने सब काट लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे, ठंडा हो चुका है। अदरक लहसुन हम इसमें डाल देंगे पीसने में। यह हमारा पीस के हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे। और ये टेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। अब इस
इसमें हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे हम इसमें, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें हमने हरी मिर्च भी पहले डाले हैं। चम्मच गरम मसाला, मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप आपके हिसाब से डालिए, क्योंकि मैंने मटर बॉईल करने में भी डाली। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। हमारा अच्छा सा पक रहा है और तरी भी अच्छी आई है। अब हम इसे और थोड़ी देर पकने देते हैं। हमारी सेव सलाद तैयार हो गई है। अब हम इसमें फरसन डालेंगे, थोड़ी सी सेव डालेंगे जाड़ी वाली। थोड़ी सी प्याज डालेंगे, थोड़ी झीनी भी डालेंगे। थोड़ी सी थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू निचोड़ के। अब ये बिल्कुल रेडी है, चलो खाने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।